सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनूदेव। जैसे कि मैं बता दूं, हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के पचुरखी प्रखंड के पचुरखी ब्लॉक कैंपस में। यहां पर हम देख सकते हैं कि वार्ड पंच मुखिया सरपंच बीडीसी जिला परिषद एक लाइन में लगकर एक कतार में लगकर नॉमिनेशन करा रहे हैं, अपना अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं, एक कतार में है, शांतिपूर्वक करा रहे हैं। पचुरखी का विधि व्यवस्था काफी अच्छा है, यहाँ के सीओ वीडियो ने काफी अच्छा से मैनेजमेंट किया है। आइए मुख्य पर पहुँच के कुछ प्रत्याशीगण से बात करते हैं। सिवान जिले के पचुरखी प्रखंड में पचुरखी पंचायत क्षेत्र से लेकर 18 पंचायत के जोरों शोरों से लोकतंत्र का मेला लगा हुआ है। लगातार लोग वार्ड पांच सरपंच मुखिया बीडीसी जिला परिषद नॉमिनेशन चल रहे हैं। यहाँ पर मिलेंगे वार्ड नंबर 5 के नॉमिनेशन करा के हमारे चाची बाहर निकली। आइए जानेंगे की चाची का नाम क्या है और चाची का उद्देश्य क्या है अपने वार्ड के लेकर, वार्ड के मतलब लोगों को लेकर, वार्ड के ग्रामीणों को लेकर, वार्ड के चाचा भाई बेटा को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है चाची हमारे चैनल में। ये क्या नाम पड़ेगा चाची पहले आपका? नमस्कार, नाम मुन्नी खातून, मैं 5 नंबर वार्ड से होता हूँ। सब कोई मिला जुला कर मैं उसको सेवा सत्कार करूँगा। जैसे कि चाची के नाम है मुन्नी खातून, 5 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य के रूप में उठी है। आप सबको मिला जुला कर लेकर चलने का इनका उद्देश्य है। वार्ड में किसी प्रकार की समस्या है, समस्या आ भी रही है, तो समस्या का समाधान करने की प्रयास करेगी। और क्या कुछ करिएगा अगर वार्ड में अगर आप जीत जाती है तो? सब किसी का विकास करेंगे, सब किसी को संभालेंगे। जैसे कहना है कि सबका हम विकास करेंगे, सबका दुख सुख में हम दूध अस्तर उतर के काम करेंगे। वैसे भी अगर वार्ड नहीं थे तभी हम काम करते थे, वार्ड रहेंगे तभी हम काम करेंगे, और नहीं भी रहेंगे तभी भविष्य में काम करते रहेंगे। क्योंकि सब हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं सब हमारा परिवार है, सब हमारा मालिक है, हम उसका सेवक है। तो आइए उनके लड़के से हम जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार अपने माँ के साथ सहयोग कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान पड़ेगा। और पहले मैं आपको मीडिया के भाई को सबको नमस्कार करता हूँ। और कहने का मकसद ये है कि मेरी मम्मी वार्ड नंबर 5 का सदस्य के रूप में नॉमिनेशन की है, और हम लोग पूरे वार्ड के पूरे मोहल्ले को पहले स्वच्छता अभियान का हम लोग अपना मिशन चलाएंगे। अगर हमने विजय हासिल कर लिया तो, और नहीं भी किया तभी हम अपना वो मिशन हमारा है। और दूसरी बात है, जो हमारे वार्ड कमिश्नर का जो मतलब विकास का रूप में जो मूलधन मिलता है उसको सच्चाई और सही ढंग से हम उसको सुचारू रूप से उसको विकास करने की काम करेंगे। तो आप मुन्नी खातून जिंदाबाद, सलमान अहमद जिंदाबाद, सलमान अहमद जिंदाबाद, मुन्नी खातून जिंदाबाद। आइए कुछ ग्रामीणों से, वार्ड नंबर 5 के कुछ ग्रामीणों से पूछ रहे हैं कि क्या मुन्नी खातून को वो अपना वार्ड सदस्य के रूप में पसंद करते हैं, उनको लेकर आना चाहते हैं कि नहीं। मैं आपको बता दूं कि वार्ड सदस्य होता है एक अपने वार्ड का वो सर्वे सर्वा होता है, अपने वार्ड का हेड होता है, अपने वार्ड का मालिक होता है। तो क्या उस वार्ड के लोग अपने वार्ड सदस्य के रूप में मुन्नी खातून को लेकर आना चाहता है, उनका मत देना चाहता है कि नहीं देना? तो बहुत बहुत स्वागत है, आप क्या कुछ कहना चाहिएगा मुन्नी खातून के बारे में? तो यही कहना चाहते हैं कि वार्ड सदस्य उनको विजेता दिलाना है और दिलाएंगे। और चाची क्या कहना चाहिएगा? मुन्नी खातून को जिताना है और महिलाओं को आगे बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि हम लोग पुरुषों को दबाना है। नहीं, ठीक है। नहीं, अब रुवाई जरा चाची, और हुआ मुन्नी के बारे में क्या कुछ कहते नहीं? हम कहते हैं कि पूरा हम लोग मिलकर जिता रहे हैं। तो इनका पूरा माने सहयोग आप लोग कर रही है? हम लोग का सहयोग है। ये आप लोग की सेवा करती है? बहुत करती है। माने कोई भी समस्या होता है तो समाधान करती है? सब समाधान। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये हमारी चाची है, हम लोग का यही प्रयास है कि अभी इस तरह के कोई मैंने उम्मीदवार अभी वार्ड नंबर 5 से कोई वार्ड सदस्य नहीं हुआ था। मिलनसार, एक लाख मोहब्बत, हर किसी को दुख सुख में रहने वाली एक ऐसी महिला है जो कि रात दिन हो एक पैर पर खड़ी रहती है और हर एक परिवार के साथ दुख और सुख में रहती है। वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य प्रत्याशी मुन्नी खातून से जिन्होंने पूरे उनके साथ उनके वार्ड के लोग आए हुए हैं, सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर जन संपर्क हमारे पास आएगा, जन का समूह रहेगा, अगर कोई अगर हम किसी दूसरे को अपने संतान, अपने गर्जीवन, अपने घर के बेटा बेटी समझते हैं तो दूसरा भी हमको अपने गर्जीवन से अपना माई बाप समझेगा। इस तरह से नंबर 5 के जितने भी आम है सम्मानित जानता है वो इनका माई बाप है और ये इनका सेवक है। तो मैं भी चाहूँगा एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जानो छानो पहचानो तब मानो। अगर अपने
वार्ड के सांसद, पंचायत के सांसद, पूरे जिले को अगर हाई लेवल पर लेकर जाना है तो कहीं ना कहीं उचित और अनुचित कैंडिडेट के भेद को समझना पड़ेगा और उचित जगह मत देना पड़ेगा। अगर उचित जगह मत अगर हम देते हैं तो दिन दूर नहीं जो हम जल्दी चांद के पार चले जाएंगे। अगर हमको विकास करना है तो वार्ड क्षेत्र से ही विकास करके तब हम जिला स्तर पर जाते हैं। अगर हमारा वार्ड ही सही नहीं होगा तो फिर हम कभी पंचायत स्तर पर सही नहीं होंगे, राज्य स्तर पर सही नहीं होंगे, जिला स्तर पर सही नहीं होंगे। इसलिए पंचायत में ही वार्ड सदस्य को अच्छा नियुक्ति होनी चाहिए, तब जाकर हम लोग सफल हो पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ लगे हुई है सपोर्ट में। मैं यहाँ पर देखने के बाद आज लग रहा है कि यही जीत तो यहीं पर हो गई है मुनि खातून का। लगभग इधर भी देख सकते हैं कि लगे हुई है, तो बहुत बहुत अच्छा यहाँ पर हम लोग पचुरी प्रखंड के पचुकी ब्लॉक के समीप आए हैं और काफी अच्छा लग रहा है इन लोगों से मिलकर, इन लोगों से बातें करके। इसी के साथ सीसीटीवी के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सुनते ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। थैंक्स।